इंडिया न्यूज़। उत्तर भारत शीत लहर का जड़ा प्रकोप है, लगातार चल रहा है। ठंड ने लोगों को ठारिया होया है, घर लोग कैद हो गए हैं। पंजाब च तापमान 10 डिग्री तो हेठा जा चुका है। कल अमृतसर की गल करिए पारा जड़ा है 4 डिग्री तक जा पहुंचे। आम तौर पर हमेशा हर साल अमृतसर सब तो ज़्यादा पंजाब का ठंडा इलाका गिणिया जाता है। अमृतसर पंजाब का सब तो ठंडा जिला हैगा। अमृतसर 4 डिग्री का तापमान जड़ा है दर्ज किया जा रहा है। उत्तर भारत शीत लहर का प्रकोप किवें चल रहा है इन्ह तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हो। ठंड का आलम तुसी वेख रहे हो किवें लगातार वाधा जा रहा है। हालांकि अमृतसर तो देश के दूजे हिस्सों से चलने वाली ट्रेनों की गल करिए वह भी काफ़ी ज़्यादा देरी नाल चल रही हैं। लॉन्ग रूट्स की कई ट्रेना फिलहाल कैंसल भी की गई हैं, पर दूजे पास जड़ी धुंद है किसानों लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लोगों ने घर तो बाहर निकलना ही थोड़ा घट कर दिता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हैगी। अमृतसर च कल अमृतसर की गल करिए 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अमृतसर च पारा 4 डिग्री तक जा डिग्या। हालांकि पूरे पंजाब का इस तरह का ही हाल है। जे कल्ले अमृतसर की गल करिए उत्थे जड़ा पारा है वह 4 डिग्री तक पहुंचा हैगा। बठिंडा के भी हाल असी जान लें। कुणाल बंसल साढ़े पत्रकार साढ़े नाल जुड़े ने लाइव। कुणाल, अमृतसर की असी गल कर रहे थे 4 डिग्री जड़ा तापमान है वह दर्ज किया जा रहा है। बठिंडा का सूरत हाल की है, किन्नी क ठंड वेखण नूं मिल रही है ते किस तरह का आलम बनया होया है? अमर जी गल करिए विंटर का सीजन शुरू हो गया, विंटर के सीजन विच धुंद पैनी लाजमी है। लेकिन जे बठिंडा की गल करिए बठिंडा विच अज 8 डिग्री का तापमान जिहड़ा रिकॉर्ड किया गया है। किते ना किते 5 दिन तो लगातार बठिंडा विच धुंद पै रही सी जिसके कारण लोगों नूं काफी दिक्कतां आ रही, दिक्कतों का सामना करना पै रहा है क्योंकि व्हीकल धुंद जे चलाने काफी औखे हो जाते हैं। बठिंडा हाईवे से काफी दुर्घटना होंदिया ने धुंद नूं लैके। लेकिन अज जिहड़ा धुंद तो राहत मिली है बठिंडा वासियों नूं क्योंकि अज की जिहड़ी धुंद है जिहड़ा काफी घट गई है। बठिंडा विच धुंद जिहड़ी ना मात्र ही है जिसके कारण लोगों नूं काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पै रहा। लेकिन ठंड उस तरह बरकरार है, लोगों लिए जिहड़े आना जाना काफी औखा होया गया। लेकिन किते ना किते हुण अज जिहड़ा दिन है लोगों लिए हल्की हल्की धुप भी है ते लोगों लिए किते ना किते अज सार सौखा ते होगा कोहरे तो क्योंकि कोहरा अज नहीं है। लोग जिहड़े आपदा आन जान जिहड़ा सौखे तरीके नाल कर रहे ने। लेकिन किते ना किते कोहरे के कारण धुंद के कारण जिहड़ी है यातायात जिहड़े ठप हो जाते हैं, रेल यात्रा भी ठप हो जाती है, हवाई यात्रा भी जिहड़ी ठप हो जाती है। हाईवे से जिहड़े धुंद के कारण दुर्घटना के मामले जिहड़े अक्सर सुनने नूं मिलते हैं। लेकिन किते ना किते अज बठिंडा वासियों नूं धुंद तो राहत मिली है। बिल्कुल, दूजे पासे प्रशासन की गल करांगे, रिफ्लैक्टर्स लगाउण दा की काम अजे भी चल रहा है? दूजी चीज ये मैं जानना चाह रहे हैं रेल यातायात किवें चल रहा है? जी अमर, जे पंजाब की गल करिए पंजाब तो सब तो वड्डा बठिंडा जंक्शन मन्नया गया। बठिंडा का रेलवे स्टेशन पंजाब के सारे रेलवे स्टेशनों तो वड्डा है। लेकिन इतने रेलां काफी देरी तो चल रही है, धुंद के कारण रेलां च काफी घंटे का फर्क पाया जा रहा है। जेडे लोग ने आपके इलाज कराने लिए बीकानेर दिल्ली मुंबई वर्गे राज्यों में जाना पैंदा। लेकिन कितने कितने काफी देरी तो चलने बाद लोगों नूं काफी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। प्रशासन वालों भी काफी अफर्ट किए जा रहे हैं, लोगों नूं जागरूक किया जाता है ठंड को लैके भी आपकी बचत रखो, आपकी सुरक्षा लोग आप कर। लेकिन हुण लिविंग इंडिया टीम भी लोगों नूं अपील करती है भी ठंड का टाइम है, कोहरे का टाइम है, इस तो अपने व्हीकल है जी घट रफ्तार में चला ताकि वह अपनी सुरक्षा आप कर सकन। बिल्कुल, आखिरी सवाल थोड़े तो ये जी धुंद है जी ठंड है ये फसलों के लिए लाहेवंद है कि?
जी बिल्कुल अमर, जे किसानां दी गल करिए, किसानां दा कहना है भी जिहड़ा कोहरे दे नाल हल्की हल्की बरसात आउंदी है उह फसलां लई काफी लाभदायक साबित होंदी है। फसलां इस मौसम विच खिड़ जांदियां ने, लेकिन अगर कोहरे दे नाल तेज बरसात होवे तां फसलां जिहड़ियां खराब हो जाणगियां, फसलां बर्बाद हो जाणगियां, किसान फिर करजाई हो जाऊगा। जिहड़ा इस वेले दा मौसम है इह फसलां लई काफी लाभदायक है, जे अगे जाके मीह बरसात तेज होंदी है, धुंद वध पैंदी है, किते ना किते फसलां द्वार तो बर्बाद हो जाएंगे, किसान करजाई हो जाएंगे। जिहड़ी आलू की फसल है इस मौसम विच ज्यादा हुंदी है। जी ठीक है जी, धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत। फिलहाल साढ़े पत्रकार कुणाल बंसल सानूं जानकारी दे रहे सी, दस रहे सी कि किवें दा आलम हैगा ते 8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो लगातार तुम वेख्या अमृतसर च फिलहाल 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो कुणाल बंसल भी सानू दस रहे सा कि 8 डिग्री जड़ा तापमान हैगा वह फिलहाल बठिंडा दे विच दर्ज किया जा रहा है। पटियाले का सूरत हाल भी असं वेख लें, साडे पत्रकार साडे नाल जुड़े ने पटियाला तो अविनाश कंबोज। अविनाश, शाही शहर पटियाला दे की हालात ने ठंड लैके? अविनाश जी, मेरी आवाज़ तुहाडे तक आ रही है, तो सवाल यह है कि ठंड के की हाल ने पटियाला दे, किन्ने के डिग्री तापमान वेखण मिल रहा है, तो लोग किवें गुजारा कर रहे हैं इस ठंड च? ठंड तो राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर से जिहड़ा ठंड का कहर है वह पैना शुरू हो चुके। जे असी गल करिए लोगों की, लोग साढ़े नाल है, लोगों तो जानते उन्हों का की कुछ कहना है। ठंड किन्नी पै रही है भाजी, जिवें तुसीं दुकान दे बाहर अग लाई है? बहुत ज्यादा पै रही है जी, बजुर्गों ते बच्चों से बहुत ज्यादा औखी हो रही है। ठंड का असर इन्ना ता है क्योंकि पटियाला शहर के नेड़े जिन्ने भी पहाड़ी इलाके लगते हैं, शिमला, कुफरी, तकरीबन सारे पास 4-5 दिनों तो बर्फ पै रही है। दूर के इलाके बर्फ पै रही है, बर्फ पैण करके ठंडी हवावां का असर पंजाब च पूरा देखने को मिलता है। ठंड तो राहत किदां मिल सकदी अंकल, किदां बचाव कर सकते हैं ठंड तो, जे गल करिए? ठंड तो इस करके बचाव हो सकता है जे मौसम ठीक रहे, धुप निकले ता जो लोगों का व्यापार भी चलता रहे, तो लोग भी बाहर निकल, ज्यादा ठंड करके लोग घरों नहीं निकल रहे। ठीक है ना, चाहूंगा कि ठंड पै रही है? ठंड तो बहुत है पटियाले भी, जिम्मे बच्चे सवेरे सवेरे स्कूल जाने हैं। मैं तो यह अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की, जो प्राइमरी स्कूल तो छोटे बच्चे हैं, घट्टो घट्ट उन्होंने इस महीने छुट्टियां करते हैं, नवे साल ही देखी जाएगी पढ़ाई का, बच्चे बीमार ना हो, बच्चों की सेहत बनी रहे, इस करके मेरी अपील है कि छुट्टियां की जाए तो ठीक रहेगा। तो किधर ना किधर अमर, साफ तौर से जो ठंड का कहर है वो पैना शुरू हो चुका है। लोगों का कहना जो घरों बाहर निकलना तो पूरा कपड़े पा के निकल, यानी कि गर्म स्वैटर पा के कोटियां पा के निकले, तो छोटे बच्चों जिते। अविनाश, तुम बाजार च खड़े हुए हो, आम तौर पर समझा जाता है कि रुजगार भी घट हों ठंड के चलते, कि वाकई असर वेखण मिल रहा ठंड के चलते, ग्राहकों च भी कटौती आई है? जी अमर, लोग साढ़े नाल ने, असं उन्होंने तो ही जान लें, कितने ना कि जो ग्राहकों की गल करिए तो दुकानदार साढ़े नाल ने, असं उन्होंने तो ही जान लें। दुकानदारी ठंड का बहुत ज्यादा असर पै रहा है जी, तो लोग घरों नहीं निकले, इस करके गाहक दुकान से आ नहीं रहा है, कारोबार भी मंदे चल रहा है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाके साढ़े कारोबार भी चलन गए, तो लोगों भी राहत मिलेगी, मौसम ठंडा होने करके मुश्किल आ रही है। की कहना चाहोगे दुकानदार नु, किन्ना का असर पै रहा है? दुकानदारी में काफी डाउन चल रही पी है, क्योंकि सर्दी करके ना कस्टमर निकलते ना आप नहीं कम होते जी, सर्दी करके धुप निकल भी कम होते। तो कितने ना कितने अमर जिहड़ा ठंड के करके जिहड़ा हैगा दुकानदारां ते भी असर पैंदा जा रहा है, क्योंकि लोग घरों नहीं निकलते ठंड के कारण, कितने ना कितने जिहड़ा कामकार है वह ठंडा पिया होया। साफ तौर पर दुकानदारां दा कहना है, तुसीं देख सकते हो कि दुकानदार जिहड़े अपनी दुकानां दे बाहर है वो अग बाल के जिहड़ा अग का सहारा लेंदे दिखाई दे रहे हैं ठंड तो बचण दे लई, लेकिन दुकानदार की गल करिए कामकार की, तो कामकार जिहड़ा ठंडा हो चुके है। बिल्कुल, दूजे पासे अविनाश अपडेट चाहवांगे तुहाडे तो, रेल यातायात किवें प्रभावित नजर आ रहा है ठंड जां फिर धुंद दे चलदे आ? दूजे पासे रैन बसेरियां च तुसीं किस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं तुहानू, कि वाकई लोगों नू सरकारी सुविधा भी लाभ मिल पा रहा है जां फिर नहीं?
ਅਮਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਤੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਰਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਹਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਹਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁੰਭੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਠਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਠੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਵਿਨੋਦ ਸੁਬਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਠੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਟੋਪੀ ਜੈਕਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਈਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
पूरे उत्तर भारत च ठंड करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पै रहा है आम लोगों को। शीत लहर का प्रकोप तुम वेख सकते हो किस तरह हैगा।